एक्सरसाइज 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एबीसीडी चतुर्भुज दे रखा है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, ए बी आपके 9 है, बी सी आपके 12 है, सी डी आपके 5 है और ए डी आपके 9 है, 8 दे रखा है। हमें यहाँ चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटना है और 12.1 की तरह सवाल करना है, इसको दो भागों में बांटेंगे, लेकिन ये पूछा दी भी नहीं, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री कौन दे रखा है, इसका मतलब ये वाला कर्ण है। अगर आपको कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है तो सूत्र होता है आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार तो है 12 और लंब दे रखा है 5, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 × 12 होता है 144, 5 का होता है 5 × 5 = 25, ये होता है 169, स्क्वायर हट गया तो इधर लग जाएगा आपके वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा और ये उत्तर आएगा आपके 13। अब हमें दोनों का क्षेत्रफल याद करना है, ये वाला समकोण त्रिभुज है तो पहला लेते हैं, यहाँ पर नंबर 1 है त्रिभुज बी सी डी लेते हैं, बी सी डी का लेते हैं क्षेत्रफल और ये एक समकोण त्रिभुज है इसलिए सूत्र आपके लगेगा 1/2 × आधार × ऊंचाई, नहीं तो आप चाहो तो वहाँ पर a+b+c वाला भी लगा सकते हो, उत्तर वही आएंगे लेकिन इस पर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप आधार तो है ये ऊंचाई, इसमें कभी कर्ण काम नहीं लेते, हाँ अगर ये त्रिभुज लेंगे अगर s से करते हैं तो तीनों काम आएंगे, लेकिन अगर हम समकोण त्रिभुज से कर रहे हैं तो केवल आधार और ऊंचाई, मतलब 12 और 5 आएगा, भाग जाएगा इसमें आपके 6 बार और 6 पंजे होते हैं यहाँ पर 30 cm². अब हमें नंबर 2 लेना है, इसका नाम है त्रिभुज ए बी डी, इसका क्षेत्रफल क्या करना है हमें ज्ञात करना है, ये वाला लेना है। अब इसमें तो समकोण त्रिभुज आगे कहीं लिखा हुआ नहीं है इसलिए पहले हम एस ज्ञात करेंगे, a+b+c/2, तीनों भुजाएं ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपके 9, 18, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, 9+13+8/2, 13, 9, 22, 22 और 8 होते हैं आपके 30, 30 का आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 15, जो इन तीनों से ज़्यादा ही आएगा वहाँ पर आपके 17 और 13, 30 का आधा 15 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, यहाँ लगाएंगे वर्गमूल, ये सूत्र बार बार लगाना है ताकि आपको याद हो जाए क्लियरली, हर सवाल में आपको लगाना है। एस का मान है 15, यहाँ आएगा 15 - 9, 15 - 13 और होता है 15 - 8, ये तो 15 ही, और 15 में से 9 गए 6, 15 में से 13 गया 2 हो गया, 15 में से 8 गए 7। अब यहाँ टुकड़े करते हैं, इसका होता है 3 × 5, इसका होता है आपके 2 × 3 और ये 2 का 2 फिर 7 का 7, टुकड़े कर देंगे, 15 का होता है 5 से 15, 6 का होता है 2 + 6, बाकी वाले सेम लिखे हैं मैंने, जिसके जोड़े बन रहे हैं देखो, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बार आ गया, 3 का जोड़ा बन रहा है 3 बार आ गया, अब 5 और 7 के जोड़ा नहीं बना तो अंदर ही रह गया, ये आएगा 2 + 6, अंडर रूट होता है यहाँ पर 35, जैसे 36 होता तो यहाँ 6 होता उत्तर, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके 35 है तो उत्तर थोड़े कम आएंगे, 5 + 9 के आसपास उत्तर आ सकता है, तो 6 है, 6 का 36 होता है, 36 है तो 6 होता है, यहाँ कम है तो आप चाहो तो यहाँ पर 1 पॉइंट कम ले लो, आप चाहो यहाँ पर 5.9 लिख सकते हो, 1 पॉइंट कम लिख सकते हो, तो ये आता है आपके 6 × 9, ये होता है 54 + 5, 30 और 5 होता है आपके 35, इसका गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पर 36 होता तो 6 होता, वहाँ पर आप 36 एक कम है तो ऐसे ही पॉइंटों में कम ले लो, थोड़ा बहुत पॉइंटों में आगे पीछे कर सकते हो। इसका आया था 30 उत्तर, इसका आया था 35, दोनों को साथ में जोड़ लेंगे तो आपके 30 + 35 इधर है, यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होगा, दोनों का जोड़ कर लेंगे वो होता है 65.4 या 5 भी कह सकते हो, अगर यहाँ पर 91 आता है अगर मान लो बाई चांस तो आपके 65.54 जो भी लिखो राइट है, जल्दी करना होता है ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो पूरा वर्गमूल भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। सवाल नंबर 2 है, चतुर्भुज दीर्घ का है ए बी सी डी, इसमें आपके ये त्रिभुज भी है और ये दोनों क्षेत्रफल याद करना है,
ऐसा अगर हम जानते हैं तीन चार पांच है ना, वो पाइथागोरस प्रमेय के जो रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब इन दोनों का वर्ग इसके बराबर है। जैसा आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये है तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, ये होता है नौ और ये होता है सोलह, टोटल होता है आपके पच्चीस, और इस अकेले का वर्ग वो होता है आपके पच्चीस। तो यहाँ पर आपके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का जो मान है वो ए सी स्क्वायर के बराबर है, इन दोनों का वर्ग का जोड़ करेंगे तो इस अकेले के बराबर है। इसका मतलब है कि कोण बी जो है वो आपके 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय है उसको फॉलो करता है। नहीं तो फिर ये नहीं करो तो तीन चार पाँच को एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है, तो वो कर लो। अब हमें मालूम है कि यहाँ 90 डिग्री कोण है, ऐसे याद रखने जोड़े तीन चार पाँच है या छः आठ दस है या पाँच बारह तेरह है, ये समकोण त्रिभुज जैसा भी क्वेश्चन आया था पहले वाला, जैसे पाँच बारह तेरह था तो समकोण त्रिभुज के हैं, तो इसमें कर्ण काम लेते हैं, इन दोनों से हमने हल किया था उत्तर 30 आया था पहले वाले सवाल में। ऐसे ही 9, 40, 41 है और भी जोड़े हैं काफ़ी, 7, 8, 15 और 17 है, काफ़ी नंबर है जो आपको अगर याद है कि वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसके सामने वाला कोण 90 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का, लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया है तो सूत्र सिंपल लग जाएगा, एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई। कुछ पाइथागोरस त्रिक अगर आपको मालूम है, जैसे क्लास आठ में सात में भी है पाइथागोरस त्रिक, तो वहां से अगर आपने कहीं पढ़ा है त्रिक कौन कौन से है कुछ याद कर लिया करो, ताकि सवाल थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। एक बटा दो और इसका आधार ये कहलाएगा, ऊंचाई ये कहलाएगी, तो ये हो जाएगा आपके तीन और चार। और समकोण त्रिभुज में कभी भी बड़ी वाली भुजा जो है इसका आप कभी यूज में लीजिए, केवल इन दोनों को ही गुणा करके आधा कर लो, ये भाग आता है दो बार, उत्तर हो जाएगा आपके छः। अब हम लेते हैं ये त्रिभुज जिसका नाम है ए सी डी, इसमें देखो दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा अलग है, जो भुजा बराबर है उसे हम ए मानेंगे, ए हो गया है पाँच और बी हो गया है आपके चार, इस ये समझे वो त्रिभुज है, जैसा हम 12.1 किया था वैसे सूत्र लगाना है आपको, सूत्र क्या हो जाएगा याद करने का, बी बटा चार अंडर रूट चार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी का मान चार है बटा चार कर दो, अब ए का मान जो है वो है आपके पाँच और बी का मान है वो है आपके चार, ये कट गया आपस में। अब ये बचा केवल 25 इंटू चार 100 और यह होता है आपके चार चौक 16, घटाएंगे तो यह आता है आपके 84, जिसे हम 4 इंटू 21 भी कहते हैं, चार कह दो ऐसे कह दो, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 इंटू 7 84, इसका जोड़ा बन रहा है तो ये आ जाएगा बाहर और ये रहेगा आपके अंदर। अब इसको पूरा हल करना पड़ेगा 21 का, अब वो उससे भी करते तो अभी यही आता है 21 अंडर रूट आते ही आता है। अब 21 का अगर वर्गमूल निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं 21 का वर्गमूल, यहाँ पर 21 मान लो, यहाँ पर जोड़े बना लो, ऐसे जो नंबर यहाँ लिखो वही यहाँ लिखना है सेम। जैसे मान लो मैंने यहाँ चार लिखा तो यहाँ भी चार लिखो, चार चौक 16, पाँच लिखेंगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ घटाएंगे, घटाने पर आता है पाँच और यहाँ आता है आपके चार और चार आठ, यहाँ जोड़ना है उधर घटाना है और यहाँ पर इन दोनों का गुणा लिखना है। अब ये आया है आपके दो जीरो यहाँ पर, अब यहाँ अगर मैं सात लिखूँ तो ज़्यादा हो जाएगा 56, छः लिखूँ तो भी ज़्यादा हो जाएगा, पाँच लिखना पड़ेगा ताकि 25 सफल का दो 40 और दो कितने होते हैं आपके 42, चार बार गया फिर पॉइंट लग गया पाँच, 4.5 तो भी खूब है, और लिखा और कर लो, यहाँ 75 बचेगा, फिर हमें दो जीरो और उतारने पड़ेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो उतारते रहो लेकिन जोड़े में उतार दो, दो जीरो, ये होता है आपके 90। अब अगर यहाँ अगर पाँच आया तो यहाँ भी पाँच आएगा, यहाँ अगर छः आया तो यहाँ भी छः आएगा, कम पड़ता है तो सात ले लो, 49 और सात नंबर होता है आपके 63, आठ ले तो आठ में भी बनता है, आठ आठ 64 और नौ आठ है 72, हाँ इससे बनता है, तो 4.58 आता है, तो यहाँ गुणा करेंगे 2 × 4.58, 58 8 का डबल 16 संख्या 1, 10 और 11 संख्या 1, 8 और 1 होता है 9, यहाँ उतरा है 6 और यहाँ उतरा है ये वाला, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे
इसको और इसको जोड़ लेंगे तो उत्तर आपके आ जाएगा 15.16। ऐसे हम याद कर सकते हैं 21 का अंडर रूट निकाल कर। 15 पर और लिखो तो चलेगा, और ये संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 भी मान सकते हो, जैसे मैंने पहले बार सवाल में किया था वैसे भी कर सकते हो, और ये लिखो तो भी आपके राइट है। सवाल नंबर 3 है, इसमें आकृति दे रही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला नंबर 1 मान लेते हैं, ये वाला नंबर 2 है, ये वाला नंबर 3 है, ये दोनों सेम है, ये वाला नंबर 4 है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ 2 है पूरा, क्या करेंगे 2 भागों में मार देते हैं इसको, एक ये हो गया एक ये हो गया, और यहाँ पर भी ये एक है, तो ये सब एक एक ये सब संभव त्रिभुज बन गए। यहाँ पर ये हो गया 4 हो गए, 5वां 6वां और 7वां यहाँ पर हो गए 3 संभव त्रिभुज हो गए, और यहाँ पर आपके ये 2 है आपके समकोण त्रिभुज, ये है समद्विबाहु त्रिभुज और ये है आपके आयत। सबसे पहले लेते हैं नंबर वन है जो है आपके आयत का क्षेत्रफल है, और सूत्र हो जाएगा आपके लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसमें ये तो है 6.5 और ये है 1, तो यहाँ आएगा 6.5 इंटू 1, उत्तर आएगा आपके 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.5 को 1 से गुणा कर देंगे तो 6.5 ही रहेगा। अब नंबर 2 और नंबर 3, ये और ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन 2-2 है ना तो 2-2 साथ में लिखेंगे, 2 इंटू, अब यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 2 से 2 कट गया, बड़ा ऊंचाई है, आधार तो ये है ऊंचाई है, मतलब आपके एक तो है आधार तो है 1.5, ऊंचाई है 6, ये होता है 95, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों का साथ में ज्ञात कर लिया। फिर यहाँ पर आपके नंबर 4 आता है, नंबर 4 में है आपके समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये नंबर 4 है, इसमें आपके ए जो दे रखा है वो तो है आपके 5, और जो बी दे रखा है वो है 1, ये वाला क्षेत्रफल याद करेंगे, सूत्र हो जाएगा आपके b/4 अंडर रूट 4a² - b² हो जाएगा। अब b का जो मान है वो 1 है, और 4 का 4, a का मान जो दे रखा है वो है 5, माइनस यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका हो गया है 1/4 अंडर रूट 25 चौक हो गए हैं आपके 100, 100 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा आपके अंडर रूट का 99/ आ जाएगा आपके 4। अब वैसे 100 का होता है 10, तो 99 होगा 9.9 कर लो, 9.9 होगा तो भी चलेगा भाई, 9.9 का होता है आपके 9801, मतलब 98 होता है, तो यहाँ पर आप 9.92 गिन लेते हैं, 9.3 कर लो, ऐसे आस पास आएगा उत्तर आपके। इसमें फिर 4 का भाग भी देना है आपको, तो ये जाएगा आपके 4 × 8, असल का 1 पॉइंट लग जाएगा, अब जाएगा आपके 4 × 16, यहाँ पर एक और संख्या बढ़ा लेते हैं, भाग आराम से जाएगा। अब यहाँ पर आपके होते हैं 19 भाग जाएगा 4 × 16, 4 × 8 4 × 16 पीछे बच गया 3, तो अब ये जाएगा आपके 8 × 32 पीछे 5 भाग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 नंबर भी हो गया है, अब 5वां 6वां और 7वां एक साथ लेंगे, और ये तीनों ही क्या है आपके समबाहु त्रिभुज है, सूत्र होता है इनका ज्ञात करने का अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, और ये पूरे कितने हैं 1, 2 और 3 है ये टोटल, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 से गुणा कर लेंगे, 3 × √3/4 और भुजा कितनी दे रही थी आपके, सबकी भुजा एक एक ही है तो 1 आ जाएगा। अब 1 का किससे गुणा करो, 1 ही रहेगा आपके, 3 का 3, और अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, पहले गुणा कर लो, ये होता है 3 × 6, 3 × 9 और 17 कितना होता है 51, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, भाग देंगे 4 का, तो ये भाग जाएगा आपके कितनी बार, 4 × 4 = 4, पॉइंट लगा दो,
अब यहाँ पर आपके हो गए हैं 11, 4 दूनी 8, फिर बच गया 3, 4 नौ 36, फिर बच गया 4 नौ 36, 1.299 हो गया। अब समूह सत्व क्या करेंगे, सबसे पहला आया था आपके 6.5, फिर आया है 9, फिर आया 2.685, फिर आया 1.299, सबको जोड़ लेंगे, 9 और 6 15, 15 और 2 16, 17 18, अब पॉइंटम उत्तर आएंगे आपके 18 या 19, सबको साथ जोड़ लेंगे, जी आता है आपके 19.3 आता है करके देख लो आप, चौ जोड़ करके 6.5, 9.0, 2.685 और 1.299, ये होता है 4 का 1 18, असल का 1 5 और 1 6, 6 से 12, 12 और 2 होते हैं आपके 14, असल का 1, और यहाँ होता है आपके 9 और 9 18 और 1 19, समथिंग नदी उत्तर आते हैं वैसे, यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा लिया 2 या इतने आसपास उत्तर लिया यहाँ पर, तो समथिंग आपके नज़दीकी 19.3 या 19.4 कर लो, इतना ही उत्तर आता है, जल्दी करना है, नहीं फिर इसके हिसाब से आप ए प्लस बी प्लस सी वाले सूत्र से भी कर सकते हैं, सेम ही आता है तीनों का, थोड़ा बहुत पॉइंट फर्क था, यहाँ पर 1.2 लिया इसने ऐसे मान लो, उस कारण थोड़ा बहुत आगे भी रहता है पॉइंट होगा, यहाँ पर इसने 2.5 ही लिया है, क्या मतलब यहाँ कम है, 9.9 के आसपास उत्तर आता है आपके, इसलिए अगर हम ऐसे कम करेंगे तो आपके ये उत्तर मिल जाएगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉइंटों में, तो आगे पीछे हो जाता है, मेन नंबर ये है 19 के आसपास उत्तर आएगा। सवाल नंबर है 4, एक है त्रिभुज और एक है समांतर चतुर्भुज, दोनों का एक ही आधार है, इसका आधार 28 है, इसका आधार भी 28 है, और त्रिभुज की भुजाएं हैं 26, 28 और 30, 28 को आपको यहाँ लिखना है, और कह रहा है कि इनका आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी बराबर है, मतलब जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वही आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, का सूत्र है ज्ञात करने का, आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल अभी आया नहीं, वो आएगा तो हम ज्ञात कर लेंगे, आधार आपके दे रखा है इसका 28 और इसकी ऊंचाई क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है, अब यहाँ पर संख्या आएगी तब ये ज्ञात होगा, तो पहले हम त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वो करेंगे हीरोन फॉर्मूले से, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, मतलब ये होता है आपके 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा हो गया है आपके 2, तीनों की जोड़ करेंगे तो ये होता है आपके 84, 84 का आधा कर देंगे तो ये होता है आपके 42, ये आ गया एस। अब हम याद करेंगे क्षेत्रफल, सूत्र हो जाएगा आपके एस एस माइनस ए एस माइनस बी और ये होता है एस माइनस सी, एस जो है वो है आपके 42 और ये आएगा 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30 और यहाँ लगा देते हैं हम अंडरवुड, अब ये है 42, यहाँ घटाएंगे तो आपके 16 का अंतर है, यहाँ घटाएंगे तो आपके 14 का अंतर है और यहाँ घटाते हैं तो अंतर है आपके 12 का अंतर है, फिर निकालेंगे इसका अंडरवुड, इसका मतलब होता है आपके 6 × 7, इसका मतलब होता है 4 × 4, इसका मतलब होता है 2 × 7, इसका मतलब होता है 2 × 6, ये 12 का, ये 14 का, ये 16 का और ये 42 का, सबके जोड़े बन रहे हैं, 2 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 2 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 6 × 7 = 42, ये होता है 8 और ये होता है 42, 8 × 2 असल की 1, 32 और एक होता है आपके 33 और ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल जो है समान चतुर्भुज के बराबर है, ये त्रिभुज क्षेत्रफल लिख दिया, ये चतुर्भुज लिख दिया, ये गुणा है तो भाग में, ये गुणा है भाग में आ जाएगा, ऊंचाई याद करनी है तो 336 बटा 28, देखो ये और ये 28 होता है, अगर मैं 28 का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, फिर ये बच जाएगा 6 × 12, इसमें इसका भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 12 भाग, तो उसकी ऊंचाई होगी आपके 12 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 5 है आपके, एक समचतुर्भुज आकार का एक घास का मैदान है,
यहाँ पर कुल 18 गायें चल रही है, तो एक गाय के लिए कितना आएगा? तो पहले हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उन 18 गायों में 18 भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पर देखो इसकी भुजा तो दे रखी है 30, सम चतुर्भुज है तो चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। और इसका बड़ा विकर्ण जो है वो 48 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो ये इसकी दो भुजाएं बराबर है इस चतुर्भुज की, और इसकी भी दो भुजाएं बराबर है, दोनों की सेम है 30 30 48 30 30 48। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? दो समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में है आपके ए मतलब होता है बराबर भुजाएं, वो दे रखी है 30, और जो बी है वो दे रखा है आपके 48। हमें ज्ञात करना है दोनों। हम क्या करेंगे यहाँ पर? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ करेंगे दो समद्विबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सूत्र हो जाएगा आपके बी बटा चार अंडर रूट 4a² - b² ऐसे से कितने हैं टोटली? दो है, तो दो से गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, ये आएगा 2 × b का जो मान है वो हो गया 48 बटा 4। अब यह आएगा अंडर रूट a का मान दे रखा है 30, तो यहाँ आएगा 4 30 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपके 48 का स्क्वायर, इसमें भाग देंगे ये जाएगा आपके 12 बार, बार दुना होता है 24। अब ये होता है 900 × 4, ये होता है 3600, ये देंगे 900 × 4 3600 आ जाएगा, और ये होता है आपके 2304 होता है गुणा भाग करने पर। अब घटाएंगे यहाँ पर हम, तो ये जाएगा 96 बच जाएगा, और यहाँ पर आपके 12 बच जाएंगे, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आप। अब ये जो वर्गमूल है किसका है ये भी आपको ध्यान देना, पीछे आपके 6 आ रहा है, 6 किस में होता है आपके? 6 में होता है या फिर 4 में होता है, और फिर आपके यहाँ पर 12 आया तो उत्तर आएगा 3 और 4 = 34 या 36 का, ये 36 का हो सकता है क्योंकि 35 का तो होता है 12 से 25, तो ये 12 से 25 ज़्यादा ही है तो 36 का हो जाएगा। तो वर्गमूल निकाल देना आपको, नहीं कैसे कर लेना है वर्गमूल निकालना नहीं आता, ये वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये टुकड़े कर दो, टुकड़े आते टुकड़े कर लो सारे के। तो यहाँ पर इसको जो नंबर यहाँ लेता हूँ वही नंबर मुझे यहाँ लेना है, 3 × 9 हो गए, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ घटाएंगे, ये होता है 3, ये होता है 6, ये उतार लेंगे, यहाँ 6 है ना, 6 चलेंगे, 36 और 3 होता है 39, ये कट गया तो उत्तर आया 36, दोनों को गुणा कर देंगे। ये जो है ना आपके 18 गायों का, ये कितने गायों का है? 18 गायों के लिए, नहीं तो आप लोग गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा 864 गुणा करने पर, फिर भी ये 18 गायों के लिए है 24 × 36, तो बताना है कि एक गाय के लिए कितना आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम 24 × 36 में यहाँ पर 18 का भाग दे देंगे, 18 × 36 गुणा कर लो 48 मीटर स्क्वायर, एक गाय के लिए आएगा 48 मीटर स्क्वायर आएगा जहाँ पर वो गाय चर सकती है। सवाल नंबर 6 है, एक छाता दे रखा है, छाते में ऐसे ऐसे 10 ताने टोटल लेते हैं ना, 10 ऐसे भाग दे रखे त्रिभुज, जैसे छोटे का ये भाग होता है ऐसा 10 है, इसमें दो रंग है, मतलब दो रंग है उसमें, 5 का अलग कलर है और 5 का अलग कलर है, मान लो कि 5 तो है नीला कलर तो 5 है पीला कलर, या फिर 5 लाल कलर है तो 5 पीले कलर है, इसमें टोटल आपके 2 कलर है, 5 एक ही रंग के हैं और 5 एक ही रंग के, टोटल 2 कलर है इसमें, तो हमें 5-5 का ज्ञात करना है, जोड़ने में कितना कितना आएगा। अब यहाँ पर देखो दो दो भुजाएं तो बराबर 120 है, तो इसका मतलब है कि आपको ये समझिए वो त्रिभुज दे रखा है, इसका ए दे रखा है 50 और बी दे रखा है आपके 20। हमें यहाँ ज्ञात करना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद हो तो ये लिखो, नहीं याद हो तो एस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सूत्र हो जाएगा बी बटा 4 अंडर रूट 4a² - b². अब 5 अलग कलर में 5 अलग कलर में, तो पहले ए का ज्ञात कर लेते हैं, फिर 5 का गुणा करेंगे तो 2 भाग हो जाएंगे, बी का जो मान है वो दे रखा है 20 बटा 4, यहाँ लगाएंगे अंडर रूट 4 × a का मान है वो है 50, यह आएगा 50 का स्क्वायर, और बी का मान जो है वो है आपके 20, इसमें इसका भाग देंगे तो भाग जाएगा 5 बार, 50 × 50 होते हैं आपके 2500, 2500 × 4 10000, और ये होते हैं आपके 400,
घटाएंगे तो ये आएगा आपके 9600। इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाँच तो पाँच है, ये होता है 32 या 96, तो मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32 हो गए, 32 या 96। और फिर यहाँ पर 100 है, 100 का मतलब होता है 10 × 10, आप 10 लगा सकते हो दो बार। अब यहाँ पर आपके जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो 2 × 2 × 10, और पीछे बच गया है 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, ये जोड़ा नहीं बना, अंदर रह गया, 2 × 4 = 20 × 10, ये होता है 200√6, ये आया है 1 का। अब यहाँ पर आपके 200√6 और 200√6, 5 के अलग कलर है और 5 के अलग कलर है, जो 5 पीला रंग का था 5 लाल रंग के, अलग दो कलर है, तो ये आएगा आपके 1000√6 एक कलर का, और 1000√6 जो है वो दूसरे कलर का आएगा, दोनों ही आपके ही आएगा 1000। आप चाहो तो 1√6 का मान भी निकाल सकते हो। सवाल नंबर 7 दे रखा है, एक पतंग दे रखी है, इसमें 3 कलर दे रखे हैं, यहाँ पर एक अलग से लगा हुआ है आपके कागज, अलग तरह का कागज लगा हुआ है, यहाँ पर कलर अलग है और यहाँ पर कलर अलग है, तो तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल याद करना है। और ये दे रखा है वर्ग, वर्ग का नियम है कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित, वो भी किस पर, ये यहां लिख सकते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और साथ में बराबर दो अवयव बढ़ते हैं, तो और विकर्ण बराबर भी होते हैं, एवं विकर्ण क्या होते हैं आपके बराबर, तो ये 32 है, तो ये 16 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 16, और ये वाला भाग जो है विकर्ण का, ये 32 मानो पूरा, ऐसा मानो कि ये 32 है। हमें याद करना है पहला त्रिभुज है तो दूसरा, दोनों का एक ही मतलब है, आधार इंटू ऊंचाई, और ये भी आधार इंटू ऊंचाई, तो दोनों भाग सेम है, चाहे पहला ज्ञात करो या फिर दूसरा, दोनों ही भाग बराबर ही आएंगे, और सूत्र हो जाएगा 1/2 × आधार × हो जाएगा आपके ऊंचाई, आधार जो है वो 32 है, ऊंचाई जो है वो 16 इसकी, ये भाग जाएगा आपके 16 भाग, 16 × 16 होता है आपके 256, मतलब पहले का उत्तर भी आपके 256 है और दूसरे का उत्तर भी आपके 256 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ये वाला भाग याद करना है, 6 6 8 दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब आपके जो तीसरा वाला भाग है जिसके अंदर ए तो दे रखा है 6 और बी दे रखा है आपके 8 दे रखा है, बराबर भुजा होती है उसे ए कहते हैं, जो आधार में है उसे बी कहते हैं, तो लगाएंगे हम 2/4√4a² - b² सूत्र, याद नहीं हो तो वो हीरोन फॉर्मूले से कर सकते हैं आप, बी का मान होता है आपके 8/4, 4 का 4 यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर और ये होता है आपके 8 का स्क्वायर, इसमें इसका भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर ये होता है आपके 6 × 36 × 4 = 144, 36 × 4 ही होता है आपके 144। अब यहाँ पर आपके 8 × 8 = 64 घटाएंगे तो यह आएगा आपके 80 आ जाएगा, 80 का मतलब होता है 16 × 5 या 4 × 4 = 5 लिख सकते हो, 2 का 2, 16 का वर्गमूल होता है आपके 4 और ये 5 का 5, ये होता है 4 × 8। अब यहाँ पर हम 5 का √ निकालेंगे जो होता है आपके 2.24, नहीं तो अपने हिसाब से निकाल लेना √ वगैरह जो भी, फिर ये होता है गुणा कर लो, 8 + 3 + 16 = 19, 1 8 + 16 और ये होता है 17.92, ये होता है। तीनों का हमने अलग अलग याद कर लिया है, तीनों का उत्तर आप अलग अलग याद करना है, तीनों याद कर लिया, पूरा याद करेगा पूछे पूरा, तो तीनों को जोड़ भी सकते हैं और अलग अलग पूछे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। सवाल में 8 है, यहाँ आपको लगानी है टाइलें, ऐसा बनाना है, फूल बनाना है अपने आंगन में, टाइलों का फूल बनाना है, ये फूल जैसा बनाया हुआ है ऐसा आपको बनाना है, फूल डिजाइन इसमें है पत्तियाँ की तरह होता है ऐसा, इसमें से ये देखो ये एक भाग पत्ती का मैंने यहाँ बनाया है, इसमें ये साइज 9 है, ये वाली 28 है और बीच वाला लाइन है वो आपके 35 है,
और टोटल कितनी है आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमें क्या करना है, 16 का ज्ञात करना है एक साथ। तो उसके लिए पहले एक का ज्ञात कर लेते हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग है तो हिरण फॉर्म लगाओ, एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। मतलब ये दे रखा है आपके 9 × 9 + कुछ भी ले लो मर्जी आई, 9 + 28 + 35 / 2। ये तो होता है 37 और वो होता है 35, टोटल होता है 72 बराबर होता है आपके 36। तीनों की जोड़ करेंगे 9, 8, 17, 5, 22 उत्तर होगा टोटल। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सूत्र हो जाएगा आपके अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पर आपके एस का जो मान है वो है 36, तो यह आएगा 36 - 9, 36 - 28 और तीसरा आएगा 36 - 35। यहाँ लगा देंगे हम वर्गमूल तो 36 का था ही, यहाँ घटाएंगे तो ये आएगा आपके 27 और यहाँ घटाएंगे तो ये आपके 8 का अंतर है और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आपके 1 का अंतर है। ऐसे 36 का तो होता है 6 × 6 कर लेते हैं, 27 का होता है आपके 3 × 3 × 3 और 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। 36 का ये रहा, 27 का ये रहा और 8 का ये रहा। इसका एक जोड़ा बन रहा है ये बाहर आ जाएगा, इसका भी एक जोड़ा बन रहा है और इसका भी एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक एक रह गया यानी 3 × 6 आपके अंदर ही रह गया। 6 × 18, 18 × 36 तो यहाँ आएगा 36 √6। अब यहाँ पर 6 का वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, आपको आना चाहिए 6 का वर्गमूल निकालना। 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपके होता है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं हम, कैलकुलेटर से अगर हम करेंगे तो इसका जो उत्तर है वो आपका आता है 2.45। आपस में दोनों गुणा कर लेना और गुणा करने पर आता है आपके 88.2। बहुत होता है 0.45 पीछे है। अब ये हुआ है एक टाइल का, हमें ज्ञात करना है एक तो हुआ है एक टाइल का। अगर आपको 16 टाइलों का ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 16 को गुणा करना पड़ेगा 88.2 से। तो यहाँ कैलकुलेटर से आप कर दो या अपने पीछे से गुणा भाग कर लो, कहीं भी हो जाएगा आपके। ये होता है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर खर्चा दे रखा है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 50 पैसे दे रखे हैं, आप 14 पैसों को रुपयों में चेंज कर सकते हो। 1 रुपये में होता है 100 पैसा, मतलब 0.50 रुपये। अब यहाँ लिखना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है आपके 0.50 रुपये। तो बताना है कि 1411.2 सेंटीमीटर कितना लगेगा। तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। 0.50 है मतलब इसका आधा, 14 का आधा 7 है, जो भी है 705.6, 112 का आधा 56, 14 का आधा 7 हो जाएगा और ये आएगा 705 रुपये और 60 पैसे आएंगे। आप गुणा भाग कर लेना पीछे रफ में, कैलकुलेटर से कर दो, कैलकुलेटर कर लो। सवाल नंबर 9 है आपके, एक दीर्घकाय समन चतुर्भुज दे रखा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी 4 भुजाएं दे रखी है, 25, 10 वो समांतर भुजाएं हैं और जो अन्य भुजाएं वो है 13 और 14। अब यहाँ पर का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग इंटू आप समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तब 1/2 का 1/2 समांतर भुजाएं दे रखी ये वाली 25 और 10, तो यहाँ आएगा आपके 25 + 10। अब ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ पर दूरी कह दो या ऊंचाई कह दो, ये आपके पास दी भी नहीं, तो ये पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। अब कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा बहुत आपको हमें पहले यहाँ पर त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो पहले करनी है आपको रचना, इस रेखा के समांतर रेखा खींच लेंगे, यहाँ पर AD समानांतर है आपके, यहाँ पर जैसे E नाम नहीं आया है तो यहाँ लिख देंगे EC। इस रेखा के समांतर हमने यहाँ ये रेखा खींच लिया सर,
अब है उत्पत्ति में, यहां लिख देता हूं मैं, एडी समानांतर है इसी हमने क्या की है, रचना की है, और ये समांतर है, एई समानांतर है आपके डीसी, ये और ये समांतर है। अब क्यों है समांतर, क्योंकि ये क्या है, एक समन चतुर्भुज है और आंधा भुजा क्या है आपके समांतर है, क्योंकि यहाँ पर ए बी समानांतर है आपके डीसी, इसी कारण ए ई समांतर क्या होगी डीसी। इसका आम सामनिक भुजाएं समांतर हो इसका मतलब है ए ई सी डी एक क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, और समांतर चतुर्भुज की सामूहिक भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर ये 10 है ये भी 10, अगर ये 13 है तो ये भी 13, ये पूरी 25 है, 25 में 10 ये हो गई तो ये क्या हो गया आपके 15 बन गया, पूरा है ना 25 हो गया, 10 15 25 पूरी कितनी 25 है। अब यहाँ पर क्या है, त्रिभुज आ गया, त्रिभुज के दो सूत्र है ज्ञात करने, एक सूत्र तो है आपके, देखो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज सूत्र, पहले एक तो एस से ज्ञात कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, और हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला हो जाएगा आपके अंडरवुड एस ए माइनस बी, बी माइनस सी क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, और तीसरा हो जाएगा आपके एस माइनस सी हो जाएगा। अब ये सूत्र तो हीरोन से कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता तो किससे करते, एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई, ये बार ऊंचाई यहाँ काम लेनी है, तो एक तरीका दिया है हीरोन फॉर्मूले से त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और हमारे पास ऊंचाई होती तो ऐसा ज्ञात करते हैं, एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई, कैसे करो ऊपर तो एक ही आएंगे, तो यहाँ एक बटा दो का एक बटा दो, आधार जो है इसका वो दे रखा है 15, और यही ऊंचाई वो वाली, इसको हम यहाँ ऊंचाई कह सकते हैं, मतलब ये वाला भाग ही हमें ज्ञात करना है, यही तरीका है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, ये वाला, और ऊंचाई हमारे पास होती तो हम ऐसे ज्ञात करते हैं, दोनों तरीके से उत्तर तो वही आएगा, उत्तर तो आपके वही आएगा, क्या आएगा, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल ही आएगा, चाहे कैसे ही ज्ञात करो, चाहे इससे ज्ञात कर लो चाहे इससे ज्ञात कर लो। अब पहले ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, 13 + 14 + 15 / 2, 13 14 15 तीनों भुजाएं दे रखी है, ये होता है आपके 42 / 2, ये होता है आपके 21। अब यहाँ लगाएंगे हम अंडरवुड 21 इंटू, अब एस माइनस ए, ये तीनों भुजाएं लेनी है आपको, 21 में से 13 भी घटाना है, 21 में से 14 भी घटाना है, और 21 में से 15 भी घटाना है। अब यहाँ हो गया है 15 / 2 इंटू ऊंचाई बराबर, ये आता है 21, और ये आता है आपके 8 बज गए, इसमें 7 बचे हैं, इसमें 6 बचे हैं, इसको आगे हल कर देते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके 21 के टुकड़े होते हैं 7 × 3, यहाँ होते हैं आपके 2 × 2 × 2, 8 का 7 का 7 ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 3 × 2, ये 21, ये 8 और ये 6, ये आता है 15 / 2 इंटू ऊंचाई, और फिर तो फॉर्मूला निकाल लो, दो चार बार है, 2 बार 12 आ गया, 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, 2 बार आ गया, 3 1 बार, 7 भी 1 बार, उधर भेज दो तो ऊंचाई आ जाएगी आपके 2 × 2 × 3 × 7, अब 2 ऊपर जाएगा और 15 आएगा आपके भाग में, ऐसे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यहाँ काट दो 5 का भाग जाता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 56, 56/5, 56 का डबल होता है 112, पॉइंट लगा दें यहाँ पर, तो 5 56 का भाग देंगे ना 5 में, तो 11/55, एक बच गया तो 5 10 11.2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 11.2। अब हम यहाँ पर देखो 2 का भाग अगर देते हैं इसमें, ये जाता है 5.56, जैसे यहाँ लिखा हुआ वही। अब दोनों को आपस में हम गुणा कर लेंगे, ये होता है 35 × 5.6, अब गुणा करो तो 35 मतलब 7 के 21 का 21 बच गया, 35 पंद्रह होता है 175, 175 और 21 होता है आपके 196, अब यहाँ लग जाएगा आपके पॉइंट, तो उत्तर आएगा आपके 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप चाहो कैलकुलेटर का प्रयोग कर भी कर सकते हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।